केबी ओके सो वी कैन कैलकुलेट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम. डेल्टा टीबी इज केबी क्या है? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. अच्छा ओके मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको. W1 इज ग्राम सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. Yes, all of you, you will do these calculations. Yes, all of you, do these calculations fast. Yes, all of you, what is the answer? Yes, Tanush, your answer is correct. मैम उसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मैंने लास्ट टाइम लिखा आया था, चेक करो नोट्स में क्या यूनिट है, कैसे मैंने यूनिट कैलकुलेट किया है, चेक करो. यस मैम. यस योर आंसर इज करेक्ट. यूनिट इज करेक्ट. आंसर बताओ. नो राघव, पॉइंट बराबर से लगाओ. पॉइंट में आई थिंक तुमने मिस्टेक किया है राघव.
यस योर आंसर इज करेक्ट. मिस यूनिट चेक करो ना. यूनिट इज रॉन्ग. मिस किलोग्राम पर मोल ही होगा ना. नो. तनुष रॉन्ग है. मैंने क्या डिराइव किया है यूनिट? मैंने डिराइव किया है के का यूनिट लास्ट लेक्चर में. नहीं मैम, इनटू 1000 किया तो फिर चेंज नहीं होगा क्या? क्या इनटू आपने बोला था ग्राम्स में होगा तो इनटू 1000 होगा ना. हाँ तो उससे कुछ नहीं होगा चेंज. वो केजी में ही करके 1000 से मल्टीप्लाई किया. अच्छा, वो ग्राम्स में अगर दिया तो उसको आपने केजी में कन्वर्ट किया. हाँ 1000 से मल्टीप्लाई करके. यस इट इज करेक्ट. यस अदर्स डू इट फास्ट. कितना टाइम लग रहा है कैलकुलेशन के लिए? हम उसको सेल्सियस लेंगे या केल्विन, फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज़ द डिफरेंस विल बी सेम राइट. हाँ नो राघव योर आंसर इज रॉन्ग. यशस्वी पॉइंट का मिस्टेक है. पॉइंट बराबर लगाओ. जय पॉइंट में मिस्टेक किया है. पॉइंट बराबर लगाओ. सो ये कितना आता है? क्या आया केबी का आंसर? इट इज कमिंग 2.53 केल्विन केजी पर मोल. ओके ऑल ऑफ यू. Yes, all of you note down करो और इसका calculations बाद में करना. Don't leave it. चलो next question पढ़ो. Start solving it. पढ़ो क्या दिया है. Molecular weight of an organic compound is 58. So, ये क्या है? 58 will be what? W1 है क्या ये? Yes, all of you. What it is? W नहीं होगा ना? Molecular weight है ना? M होगा ना? M होगा. क्या है बट ये? M2 है कि M1 है? M2. It is M2 na all of you. It is a organic compound. Solute hai. This is M2. Calculate boiling point of solution containing 24 grams of solute. Miss, lekin first line mein to sirf organic compound likha hai. Aisa like it is a solute or solvent waisa likha to nahi hai. But aage padho na. Water is solvent na. Okay miss. Calculate boiling point of solution containing 24 grams of solute. So, ये क्या है 24 grams of solute? W2. This is W2. 600 grams of water. This is what? W1. This is W1. When barometric pressure is such that pure water boils at
प्योर वाटर इज बॉइलिंग एट 99.725 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या है? टीबी नॉट. टीबी नॉट है ना? यस मिस. एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑल ऑफ यू? टीबी. यस, तुम लोग को टीबी कैलकुलेट करना है और केबी दिया है. मैम उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? क्यों करना है? नहीं करना है. अभी देखो, हमेशा जब भी ये डेल्टा में रहेगा, डेल्टा टीबी, दिस इज व्हाट टीबी माइनस टीबी नॉट. अभी जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस में दिया है, सपोज सपोज दिस इज 99 डिग्री सेल्सियस, फॉर कन्वर्टिंग इनटू केल्विन यू विल ऐड इट विद 273 माइनस. सपोज तुम्हारा टीबी नॉट माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 99 प्लस 273 माइनस 96 माइनस 273, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा. yes, समझा? तो तुम जरूरी नहीं है उसको कन्वर्ट करने की. Yes, all of you start doing it and tell me what will be the answer. मिस इसको सॉल्व करना है ना? ये yes, हो गया सॉल्व करके. आंसर बताओ. यस यश, तुम्हारे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है. उसको 99.725 ही लेना है, उसको 100 मत लो. No, Tanush, your answer is wrong. Yes.
Yes, now it is correct. He is wrong. So all of you, you have to focus a lot on your calculation. Work on your calculation. Calculations का practice करो. Homework में जो भी questions मिलता है, class work में questions होता है, उसको बहुत अच्छे से करो. No, Tanush, it is wrong. मिस आपको आंसर भेजा. Yes, Jay Dave is getting correct answer. Yashashvi is also getting correct answer. M2 is 58 and W1 is 600. कितना आता है 12312. Okay, 0.3537. So TP will become 0.3537 plus 99.725. So this is coming 100.078. Yes, now it is correct. Degree Celsius. Okay, all of you. जिसको भी नहीं आया है नोट डाउन कर लो फास्ट. Yes, all of you, next question. मैं अभी इधर कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम लोग को खुद करना ये question. Do it fast. मैम एक बार वो दिखाओ ना पहले वाला स्लाइड प्लीज. मुझे मैम 0.035 आ रहा था वो मिस्टेक था. 0.035 नहीं आता. एक मिनट मैं चेक. No, it is not 0.035, it is 0.35. एक जीरो इधर ऐड किया तो और एक जीरो नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी ना, ये इससे हो जाएगा डिवाइड. चलेगा राघव, इट्स ओके. 6.5 को अप्रोक्स 7 लिख दो वहां पे 100.07.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ऑल ऑफ यू. 5 minutes टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैं कुछ भी नहीं हेल्प करूंगी. हाँ, डू इट फास्ट. लेट्स सी किसको 5 मिनट्स में करेक्ट आंसर आ रहा है.
Yes, 1 minute more, all of you. मैम आपको आंसर भेजे Yes, Yash, your answer is correct. Tanush, correct hai. And Jay, Jay, difference कभी भी इतना ज्यादा नहीं होगा, तुम पॉइंट बराबर लगाओ. Yes, others, 5 minutes are over. Do it fast. Yes, Yashashvi, your answer is correct. Raghav, find kya karna hai? Elevation in boiling point find karna hai. Boiling point of solution nahi calculate karna hai. You have to calculate elevation in boiling point. मिस्टेक है आंसर में, काफी डिफरेंस है तुम्हारे आंसर में और करेक्ट आंसर. चेक करो कुछ कहीं तो छोटा सा मिस्टेक किया है तुमने. यस जय, योर आंसर इज करेक्ट. मीन्स नॉट कंप्लीटली करेक्ट है, बट पहले दो डिजिट्स तुम्हारे करेक्ट है, लास्ट के दो डिजिट्स रॉन्ग है तुम्हारे. Yes, Preeti. Maitri. Pratham. Raghav. No, Raghav. चलो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, यार चेकआउट करो कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स किया है तुम लोग ने. सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा. सो सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.9 इनटू 10 रेज टू माइनस 2 केजी ऑफ अमोनिया. मींस W2 जो है वो 1.9 इनटू 10 रेज टू माइनस 2 केजी है. ग्राम्स में कन्वर्ट करती हूँ इसको. So M1 is how much? 17. Sorry, M2 जो है वो 17 है और M1 जो होगा वो 18 होगा, बट M1 इज नॉट रिक्वायर्ड हियर.
1.452. यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ डिफरेंस. ओके, इट कैन बी अ डिग्री सेल्सियस और इट कैन बी इन केल्विन आल्सो. यस राघव, समझ में आया वेयर यू हैव डन मिस्टेक? यस मैम. क्या किया था? इसका टीवी निकाला था. क्या क्या किया राघव तुमने? इसने टीवी निकाला था. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू सिमिलर क्वेश्चंस आर इन होमवर्क ऑन योर नेक्स्ट स्लाइड. यू कैन सी मिस ये दोनों एक साथ करने हैं. दोनों भी होमवर्क में है एग्जांपल्स. ओके ओके मिस. टेक स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू. होमवर्क है ये, स्क्रीनशॉट ले लो. Yes, all of you, you can take break of 10 minutes and then hum log continue karenge lecture, okay? And in after break, we'll continue with freezing point. Depression in freezing points. Theek hai? Take 10 minutes break. Abhi ye session aise bhi disconnect ho raha hai.